वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक। दोस्तों आज आपको इस वीडियो में बताएंगे माइक्रोटेक 24x7 इन्वर्टर आउटपुट रिले सेक्शन के बारे में, जो कि आउटपुट में जो रिले लगता है वो किस तरह वर्क करता है इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर ये रिले वर्क नहीं कर रही है तो कौन कौन सा कॉम्पोनेंट इसमें फॉल्टी हो सकते हैं इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग माइक्रो कंट्रोलर तरफ। दोस्तों मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी मेरा वीडियो देख रहे थे स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा, जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। माइक्रो कंट्रोलर में हम लोग जो कि जो कौन सा पिन से सप्लाई निकलती है रिले ड्राइव के लिए, वहां पे हम लोग चेक करने के बाद ही हम लोग इसको आगे रिपेयर कर पाएंगे। तो पहले हम लोग समझेंगे माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर देख सकते हैं, माइक्रो कंट्रोलर जो है पिन नंबर्स की 16 से इसकी ड्राइव वोल्टेज निकलती है, जो कि वोल्टेज जब इन्वर्टर ऑन रहेगा उस पीरियड में 4.5 वोल्ट आप यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और वो जो 4.5 वोल्ट है उसी के थ्रू आपका इन्वर्टर की एलईडी ग्लो करेगी। इसके बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है R25 470 ohms का है, जो कि इसे वोल्टेज मिलने के बाद में एलईडी ग्लो करती है जब इन्वर्टर ऑन रहता है तब। उसके बाद यहाँ से दो सप्लाई बन गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं रिले टाइप के लिए भी यहाँ से सप्लाई जा रही है। और यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है R28 4.7K का रजिस्टेंस लगा हुआ है, इसके थ्रू जो कि ट्रांजिस्टर को जाती है, जो कि ट्रांजिस्टर है Q3BC547, ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है ये। इसकी बेस में सप्लाई जाएगी 0.7 वोल्ट देखने को मिलेगा आपको, और ये ट्रांजिस्टर हो जाएगा ऑन। जो इसमें 0 वोल्ट है इसकी इमीटर पे वो कलेक्टर पे चला जाएगा, जो कि यहाँ पे 0.3 वोल्ट देखने को आपको मिलेगा। और जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा उस पीरियड में आपको 12 वोल्ट देखने को मिलेगा। ये जो 12 वोल्ट है एक सिरा पे, इसकी एक जो पिन पे जो है आपका 12 वोल्ट है वो कोयल के थ्रू घूम के आके यहाँ पे 12 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा जब रिले ऑफ रहेगा। तो अब जैसे रिले ऑन होगा तो यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज आ जाएगा और ये हो जाएगा ऑन। रिले ऑन होने के बाद में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जब इन्वर्टर पे ये वर्क करेगी तो ये कॉमन जो है कनेक्शन ये एनओ में कनेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट है 220 वोल्ट, ये जो है कि लूप से डायरेक्ट आपका न्यूट्रल यहाँ से निकल गया है और यहाँ पे फेज आपका यहाँ से निकल जाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट में आपको मिल जाएगा। और ये जो सप्लाई बन रही है ट्रांसफार्मर में ये आपको मेंस में इनपुट नहीं होगा क्योंकि ये एनसी से एनओ में कनेक्शन हो गया है। जैसे इसको बंद कर देंगे और जैसे मेंस आएगी उस पीरियड में, मेंस आएगी उस पीरियड में आपको क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आपका एनसी की तरफ रहेगा और मेंस आने पर ये फेज जो आ रहा है वो डायरेक्ट आपका ट्रांसफार्मर में इनपुट हो जाएगा। इनपुट होने के बाद में सेकेंडरी में आपको जो कि 0.12 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों ये मैक्सिमम वोल्टेज है, यहाँ पे आपको 8 वोल्ट के आसपास देखने को मिलता है और मॉस्फेट से रेगुलेट करके बैटरी को ये चार्ज करता है, ठीक है। यहाँ पे जो कि आप देखेंगे स्क्वायर वेव जो इन्वर्टर होता है उसमें एसीआर के थ्रू या फिर बीटी ट्राई के थ्रू जो कि चार्जिंग को रेगुलेट करके बैटरी को चार्ज किया जाता है, लेकिन इसमें जो कि मॉस्फेट ये काम करता है, आउटपुट में भी यही काम करता है, चार्जिंग में भी यही काम करता है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये BC547 ट्रांजिस्टर है, इसी से ये रिले ऑन ऑफ होती है। मैंने सभी की वोल्टेज भी यहाँ पे शो कर दी है, आप इसके हिसाब से आप देख के इसको रिपेयर कर पाएंगे। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं सर्किट बोर्ड में, इसकी लोकेशन क्या क्या है वहाँ पे हम लोग समझेंगे सर्किट बोर्ड में। तो सर्किट बोर्ड में यहाँ पे माइक्रो आईसी है पिन नंबर 16 से ये ड्राइव वोल्टेज निकलेगी, जो कि 4.5 वोल्ट देखने को आपको मिलेगा। और यहाँ इसे एक सप्लाई जाएगा आपका रिले में चला जाएगा एलईडी बल्ब को, जिसे मैंने पहले बताया था आपको। यहाँ पे जो रेजिस्टर रहेगा R25 470 ohms का, इसके थ्रू जो कि सप्लाई जाएगी एलईडी ग्लो करेगी जब इन्वर्टर ऑन रहेगा तब। उसके बाद आगे चलेंगे R28 4.7K का रेजिस्टेंस है, जो कि ये रिले को ये ड्राइव करता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं Q3 है BC547 यहाँ पे ट्रांजिस्टर थ्रू ये काम करता है। लेकिन दोस्तों इसमें आपको ध्यान देना है, इसमें जब भी ये रिले ऑन होगी तो यहाँ पे इसकी 0.7 वोल्ट देखने को आपको मिलेगा, और जब ये ऑन नहीं होगी तो यहाँ पे 0 वोल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वोल्टेज जब आएगा 0.7 वोल्ट ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगी और इसकी जो कलेक्टर से जो वोल्टेज निकलेगा वो हो जाएगा ग्राउंड 0 वोल्ट, जो कि यहाँ पे 12 वोल्ट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 12 वोल्ट आएगी, ये हो जाएगा ग्राउंड और ट्रांजिस्टर आएगा ऑन। तो यहाँ पे चेंज ओवर का ये काम कराता है। और इसमें जो कि इस माइक्रो आईसी में अलग से इन्वर्टर एलईडी के लिए
कोई कनेक्शन नहीं दिया गया है। यहाँ पे रिले को जो ड्राइव वोल्टेज निकलता है वहीं से ये इन्वर्टर एलईडी में कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया है। तो दोस्तों अगर रिले वर्क नहीं करती, इतने सारे कॉम्पोनेंट मैंने बताई है, इसको आप फॉल्टी के लिए चेक कर सकते हैं और इसको रिपेयर कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट वीडियो में आपको और आगे हम बताएंगे आपकी ओवरलोड प्रॉब्लम, इसमें जो कि LM358 से ओवरलोड की प्रॉब्लम होती है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तो मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और सभी कंपनी के इन्वर्टर काम सीखने के लिए मेरे वीडियो को देखते रहिएगा, तभी जाके आप लोग सीख पाएंगे। और मैं डायग्राम को थ्रू जो कि आप लोगों को समझाता हूँ और सर्किट बोर्ड में भी लोकेशन कहाँ है जिसके लिए मैं भी दिखा के आप लोगों को समझाता हूँ। तो इस तरह से अच्छी तरह से आप लोग समझ जाएंगे और रिपेयर कर पाएंगे, आप लोग एक रोजगार मिल जाएगा अगर अच्छी तरह से काम सीख लेंगे। तो मेरा वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।